गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 48 पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ इल्टरनेस पर्सन इन टाउन ए एंड बी फॉर लास्ट 5 ईयर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको जो ये टेबल है इसके अंदर लास्ट 5 ईयर के अंदर जो बीमार होने वाले पर्सन है ना उनका रेशियो दे रखा है। इनको आपको क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए डबल बार ग्राफ बनाने के लिए अगर वही ग्राफ लोड करेंगे, एक तरफ एक्स एक्सिस एक तरफ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अपन ईयर लिखेंगे कि कौन से ईयर में कितने पर्सन बीमार हुए। तो एक्स एक्सिस पे तो आप लिखेंगे ईयर 2014 से दे रखा है, तो 2016, 16, 17, 18, 19। उसके बाद में वाई एक्स पे अपन लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, कितने व्यक्ति बीमार हुए। तो देखिए इनमें जो पर्सन है वो आपको 300, 400 इस तरह से दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इनमें 50-50 का गैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 50-50 का गैप। तो वाई एक्स पे अपन 0, फिर फर्स्ट बॉक्स को 50, सेकेंड को 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए टाउन ए में 2014-15 में कितने बीमार हुए, 300। तो 2014-15 में आपको अपन 300 को मैच कर देंगे। और इसी 2014-15 में टाउन बी में कितने बीमार हुए, 400। तो इस तरह से आपको एक बार 300 और एक बार 400 में लेके जाना है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा तो टाउन ए है कौन सा टाउन बी है। तो अपन टाउन ए को तो शेड ए करते जाएंगे और टाउन बी को ब्लैंक रखते जाएंगे। इसी तरह से फिर टाउन ए के अंदर 15-16 के अंदर 150, तो आपको इसको 150 तक लेके जाना है। नेक्स्ट वाले टाउन बी को आपको 200 तक, इस तरह से आपको इनको शो करना है। तो टाउन ई को तो अपन ने शेडेड से शो किया है और टाउन बी को अपन ने ब्लैंक से शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स ऑब्टेंड इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। आपको ये जो 5 स्टूडेंट हैं इनके मार्क्स दे रखे हैं साइंस और मैथ में। ठीक है, जैसे कि आरती, अब देखिए इनके मार्क्स बताने के लिए अपन सबसे पहले एक्स एक्सिस पे तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे कि भाई किस किस ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो स्टूडेंट के नेम आरती, वर्षा, सिमरन, राधा और ज्योति। वाई एक्स पे अपन इनके मार्क्स शो कर देंगे। मार्क्स देखिए हाईएस्ट मार्क्स 80 तक जा रहे हैं, तो अपन 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो अपन ने 1 बॉक्स को माना 10, 20, 30 इस तरह से ले लिया। अब देखिए आरती, आरती के मैथ के कितने आ रहे हैं, 65, तो आरती को ले गए 65 तक। और आरती के साइंस में कितने आ रहे, 80, तो इसको ले गए 80 तक। अब देखिए आपको कंफ्यूज होगा फिर से कि कौन सा मैथ का है कौन सा साइंस का है। तो अपन मैथ वाले को तो ब्लैंक रखेंगे, साइंस वाले को शेडेड कर देंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और ऊपर लिख देंगे ब्लैंक इजिकल्स टू मैथ एंड शेडेड इजिकल्स टू साइंस। इसी तरह से आपको सारे बॉक्स शो करना है। ठीक है, मैथ वाले को ब्लैंक रखना है और जो साइंस वाला है उसको शेडेड करते जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेंड किए दोनों सब्जेक्ट में। तो दोनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेंड किए राधा ने। देखिए राधा का ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। और टोटल कितने किए हैं, देखिए मैथ में 75, साइंस में 80, टोटल 155। सबसे कम किसने किए हैं, तो सबसे कम ज्योति ने किए हैं। देखिए ज्योति का ग्राफ सबसे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ज्योति ने मैथ के अंदर 50, तो साइंस के अंदर 60, तो 110। अब बोल रहा है कि किसने फोर्थ पोजीशन गेन की है, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है राधा, है ना। सेकंड पोजीशन पे कौन आ रही है, वर्षा। थर्ड पे आ रही है आरती। और फोर्थ पे कौन आ रही है, सिमरन। फिफ्थ पे आ रही है ज्योति। ये आप मार्क्स देख के भी बता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज अपनी एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीट हो गई है। यहाँ तक का वर्क आपको ग्राफ में करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यू एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का वर्क आपको ग्राफ में करना है। और ये ग्राफ जैसे मैंने बनाया ना वैसे अच्छे से आपको बनाना है, पेंसिल का यूज करके और स्केल का यूज करके। ठीक है।